देखिए एक क्वेश्चन है पैसेज पे बेस क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन रिलेटेड है, ध्यान से पैसेस है, फिर है और पहले आप करिए सॉल्यूशन देखिए अब क्या क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश सोशोलॉजी एजुकेशन एंड अकाउंटेंसी ठीक है लाइंग टेबल वन ऑफ द अब ठीक है टेबल पे रखिए देखो कितनी बुक्स है सेवन बुक्स हैं जैसे ये बोला आप सेवन नंबर दे दीजिए फिर पढ़ना चालू करिए उससे क्या होगा कि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा है ना ये अब आपने देना चालू कर दिया नंबर लिखा ना अकाउंटेंसी देखो क्या लिखा सोस्ट्रोलॉजी वन ऑफ द टॉप बुक तो वन इसको दे दें टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अब सबसे ऊपर बोला है सोस्ट्रोलॉजी इज द वन ऑफ द टॉप ऑफ द ऑल बुक्स इसको आपने ऊपर ले लिया फिर बोला अकाउंटेंसी इज बिलो एजुकेशन विच इज इमीजिएटली बिलो ठीक है जो है वो बिलो है किसके सोशोलॉजी के ठीक है इकोनॉमिक्स इज इमीजिएटली अब साइकोलॉजी बट नॉट इन द मिडिल तो मिडिल में नहीं अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स इज इमीजिएटली अब तो यहां पर साइकोलॉजी आ गई तो इसके ऊपर होगी इकोनॉमिक्स ठीक है मिडिल में क्या सोचते हैं हिंदी इज द इमीजिएट बिलो तो हिंदी यहाँ आ गई बेटा अब एक बुक बची है कौन सी इंग्लिश की तो इंग्लिश यहाँ आ गया जैसे ही ये बना आपका आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया इस ऑर्डर में बुक्स को अरेंज किया गया है अब जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आप बता सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इकोनॉमिक्स कौन सी पोजीशन पे है इकोनॉमिक्स इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग तो इकोनॉमिक्स है इंग्लिश और साइकोलॉजी के इंग्लिश एंड साइकोलॉजी फिर बोला विच थ्री बुक्स आर बिटवीन अकाउंटेंसी हिंदी अकाउंट और हिंदी के बीच में इंग्लिश इकोनॉमिक साइकोलॉजी इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या इफ सोशोलॉजी एंड इंग्लिश देखिए ध्यान से समझिएगा इफ सोशोलॉजी एंड इंग्लिश ठीक है इनको इंटरचेंज कर रहे होंगे उंटेंसी एंड हिंदी इन दोनों को इंटरचेंज किया एकाउंटेंसी एंड हिंदी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इंटरचेंज देर पोजिशन विच बुक बिल बी द बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी ठीक है तो पहले तो ये देखिए कि किस किस का पूछा साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी यहां पहुंच गई पहले ही है ना और उसके अलावा पूछा है बुक एंड सोशोलॉजी की बुक जो है वो यहां आ गई है और हिंदी की बुक यहां आ गई अकाउंट काउंट की सके तो कौन सी बुक होगी हिंदी हिंदी इज अ राइट right आंसर तो अगर आप सही डायग्राम बना के सही कंसेप्ट से क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आपको होंगे